चूल कट गई थी, अब देख लो इसमें ये हमारी ड्रिल हो रही, इसे हम चकोर करने के पहले चकोर करने के बाद देखो दोस्तों पूरा हमने जो बताया था कंचर से निशान लगाइए, देखो यहाँ पे देखो मैं जी देखो कितनी बेहतरीन तरीके से इधर इधर मिल ली हमारी चूल कंचा, देखिए और इधर देखो हमने इतना जितना बदाम था इतना ही इतना ही वो बढ़ा के दिखा था, दोनों साइड हमारी बहुत अच्छी तरीके से मिली वजह की अगर आप इस तरह से और इसमें की लगाओगे उससे हमारे कारपेंटर कारपेंटर होते हैं यहाँ से कील मार दिया है, जब फिर हम इस पर अंदा या गलेंडर पर सफाई मार मारते तो दिक्कत होती है, कील यहाँ से ना मारे, कील यहाँ से मारो मिल जाएगी। अब हमने जो इसमें टेबल वाला खन कटिंग कर रखी थी इसमें हम घंटे काट लेंगे तैयार होगी। अब इसमें दोस्तों हम यहाँ पे गोला बनाएंगे किनारी, अब वो किनारी किनारी बन के देख लें इस पे एक बार फिनिशिंग करेंगे और किनारी बनाओगे। अब हम इसमें करेंगे दोस्तों ड्रिल रॉक, देखिए ये हमारे यहाँ पे ये हमारा बिट हो गया, ये हमने बिट लगा रखा डायमंड का इसमें एक इंच का, ये हम यहाँ इसमें ऐसा लकड़ी लगा लेंगे, ठीक है दोस्तों ये हमारी दोस्तों, हमने इसकी साइड के अंदर वाली साइड की पूरी अच्छी तरह से फिनिशिंग हो गई, बहुत अच्छी फिनिशिंग हो रही, देखिए सफाई भी कितनी बेहतरीन आ रही, इस साइड की भी कर ली हमने, ये वाली साइड ये वाली साइड छोड़ दी, इसकी फिनिशिंग हम चौकट ठोकने के बाद करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम इसमें देखें दोस्तों उसमें ड्रिल हो गई थी, अब हम इसमें करेंगे ओल्ड पास वाले सुराख, पहले सुराख पहले कर लेंगे ओल्ड पास वाले, आसान रहता है इसमें दिखेंगे दो लगाने हमें इसमें दो लगाने दो एक लगाने तीन लगाने तीन वो तो अपने मर्जी कितने ही सुराख कर लिया जितने हमें इसमें और पास लगाने हमें इसमें दो लगाने तुम दो सुराख कर लिया ये हमारे दो सुराख इसमें हो गए बोल पास के ये हमारी चूल है पहले चिड़ी भाई वीडियो में दिखाई तुम्हें शुरू में चिड़ी भाई है अब इसका यहाँ से खंचे कट्टे खंचे काट देंगे पहले ही छूल के
इसको ही खंचे काटने का तरीका होता है। ये हमारा निशान लगवाया है, ये तो हमारी जितनी लकड़ी की मोटाई है इतनी है, और जितना हमने बादाम दे रखा 300 का 400 का, तो ये जो हमारा निचले वाला खंचा होता है ये इतना ही हमारा बढ़ के कटेगा। ये ध्यान रखना इस बात का, ये खंचा हमारा हमने इसमें 300 का बादाम दे रखा, तो हमने इतने ही 300 आगे को निशान लगा लिया इसमें। नाप लो, छः गुने का नाप लो, देखे दोस्तों हमने ये हमारा 300 का निशान लगा रखा, आपको दिख भी रहा होगा हमारा 300 का बादाम है, तो 300 का ही जितना हमने उसमें बादाम दे रखा, जितना आप उसमें बादाम दोगे उतने ही उसके अनुसार निशान लगा लो खंचे का, तो एकदम दोनों चोल बहुत सेट बिल्कुल मिल कर आएगी आगे की और पीछे की भी, खुली हुई जगह नहीं जाने की। तुमने देखा होगा वो सी चौकट में या विंडो में पिछले चूल खुली रह जा, तो वे सही निशान लगा पाते हमारे काउंटर भाई, तो आप ये गलती मत करना। हमारी ये चूल तैयार होगी, हाँ से कट के दूसरी लकड़ी के में वैसे काट लेंगे दोनों लकड़ी के, फिर अब इसको हम आपको ठोकने से आप सब आज हम आपको चौकट बनाना सिखाएंगे, चौकट की चूल चीरना, सुराख ड्रिलिंग करना, सुराख करना और उसको ठोकना बनाना। देखिए हमने लकड़ी तैयार कर रखी है पहले ही, इसमें बादाम वादाम सब तैयार है हमारी, अब हम इसको चूल चीर रहे हैं, चूल चीरना देखिए। देखे दोस्तों इसको हमने घोड़ा बना दिया, अब हम इस पर करेंगे फिनिशिंग। एक बार सब हमने अंदर तो मार लिया था, अब ऊपर मारेंगे कलंडर, तो ये रोक ली हम दोस्तों इसका कलंडर मारेंगे, कलंडर फिनिशिंग के लिए। ये हमारा दोस्तों इस पर कैलेंडर लग गया, बहुत बेहतरीन फिनिशिंग आ गई, देखो कितनी बेहतरीन तरीके से फिनिशिंग, ये गोला बन गया था हमारा, इस पर कैलेंडर लग गया, बहुत बेहतरीन फिनिशिंग आई। अब हम इसमें दोस्तों नीचे पट्टी लगाओगे, जो हमारे नीचे लगते हैं चौकट इधर उधर उधर बना भाग है। देखिए इसका तरीका, देखिए दोस्तों लगाने का, इसका हम यहाँ से जो हमने गोला बनाया इसका निशान लगा लेंगे,
दिखाओ निशान, ये तो हमारी इतनी नीचे छोड़ा है कि नीचे से फर्क नहीं आना ऊपर नीचे में। अगर आप ऐसे लगाओगे मैं निशान लगा दिया, अब हम इसमें पीस रोक लेंगे। देखिए ये निशान लगा लिया हमने, अब इसको हमने जितनी दूरी में हमने ये लगाई इस नाप लगे हम, तो हमारी चौखट में कान नहीं आने की। इतनी दूरी पर हमारी वो है, इतनी दूरी पर ही है ऊंचाई पे विभक्ति। ठीक है दोस्तों, अब हमारी चौखट बने का पूरी कंप्लीट होगी। दिखा भाई हमेशा खड़ी पर करता है, देखो देखिए दोस्तों कैसी लग रही कैसी नहीं। अब हमारी ये पूरी चौखट कंप्लीट है बहुत बेहतरीन तरीके से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये तो हमारी चौखट होगी कंप्लीट दोस्तों। ये हमारी विंडो देखिए, विंडो भी इसी तरीके से बनेगी। जंगला बनाना देखो कितना बेहतरीन तरीके से गोला गोला बन के कितने अच्छे तरीके से बनेगी, कितनी फिनिशिंग बेहतरीन तरीके से। इसी तरह से जिस तरह से हमने चौखट बनी इसी तरह से हमारी विंडो बनेगी ऐसा ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक करें।